बिपरजोई वावाझोड़ा अंगे हवामान विभाग की आगाही। बिपरजोई वावाझोड़ राजस्थान तरफ आगळ वध्यु छे। आज सांजे दक्षिण राजस्थान में वावाझोड़ डिप्रेशन बनशे। गुजरात में बिपरजोई वावाझोड़ा की असर ओछी थशे। वावाझोड़ गईकाले रात्रे डीप डिप्रेशन में फेरवायु हतु। गुजरात में धीमे धीमे वावाझोड़ा की असर ओछी थई रही छे। माछीमारों ने हजू पण दरियो न खेड़वा माटे सूचना यथावत छे। साबरकांठा अने बनासकांठा में भारे वरसाद रहेशे। है उस मैप के अनुसार एकदम बाड़मेर और जालोर एरिया के आसपास में है और इसका जो सराउंडिंग एरियाज है वहां पे क्लाउड कवरेज है और रुक रुक कर हल्की मध्यम बारिश का जो दौर है वो जारी है। अब बात करें यदि बारिश जो अब तक हुई है, देखिए चूंकि सिस्टम रात को लेट नाइट राजस्थान में प्रवेश किया है तो उसका जो मेन असर है वो मिड नाइट बाद से ही हेवी रेन के रूप में देखने को मिला है। यदि देखें तो पिछले 24 घंटों में सिरोही, बाड़मेर, जालोर और इसके अलावा आप देखेंगे तो चूरू जिलों में भी कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। सबसे ज्यादा बारिश माउंट आबू में 210 mm एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। कल रात को डिप्रेशन हो गया था सिस्टम, अभी साउथ वेस्ट राजस्थान में ऐसे डिप्रेशन है, अभी आज शाम तक वो डिप्रेशन हो जाएंगे और कल सुबह तक राजस्थान के एरिया में डिप्रेशन बन जाएंगे कल सुबह तक। बट ऐसे गुजरात के लिए डे वन के लिए हमारे हेवी रेनफॉल वार्निंग है, मतलब नॉर्थ गुजरात में बनासकांठा साबरकांठा उसी डिस्ट्रिक्ट में मेरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कल जिसमें हेवी होगा एंड बाकी कुछ वार्निंग्स नहीं ज़्यादातर। और कल से ज़्यादा रेनफॉल का कोई हेवी रेनफॉल चांस नहीं है, खाली साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट कुछ हो सकते बस डे टू में और बाकी कुछ वार्निंग नहीं है। एंड देखा जाए कल भी देखा जाए एक्सट्रीमली रेनफॉल हो गया और द्वारका एंड कल डिस्ट्रिक्ट में हो गया था एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एंड ऐसा सिस्टम अभी डिप्रेशन डिप्रेशन हो जाएंगे गुजरात के आज तक की उसके बाद इसका इफेक्ट नहीं है। तो अहमदाबाद में आज कल आज भी हम देखे फ्यू स्पेल और रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये भी कुछ नहीं है ऐसा में, बट कल भी रहेगा लाइट थंडरस्टॉर्म रहेगा आज और कल के, उसके बाद रिडक्शन है क्योंकि फोरकास्ट भी देखा है गुजरात स्टेट में डे वन डे टू के लिए हम डे वन में फेल्यूर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डे टू में स्कैटर्ड एंड रेस्ट ऑफ द आइसोलेटेड रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड जो सौराष्ट्र का इसमें आज फेल्यूर्स होगा डे टू के बाद आइसोलेटेड तो डे फोर से डे फाइव ड्राई होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन से रहेगा और मतलब रिडक्शन इन रेनफॉल एक्सपेक्ट करेगा।